गंदे पानी के बीच से निकल रहे छात्रों की यह तस्वीरें लोहागढ़ के राजकीय माध्यमिक विद्यालय की है। इन छात्रों को रोजाना इस गंदे पानी से गुजरना पड़ता है। शहर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर लोहागढ़ के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में नाले का गंदा पानी घुसने से यहाँ के छात्र और शिक्षक काफी परेशान है। गंदी बदबू के कारण छात्रों का स्कूल में बैठना व पढ़ना दुश्वार हो गया है। स्कूल के छात्रों का कहना है कि गंदे पानी की बदबू की वजह से वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। वहीं स्कूल की हेडमास्टर सविता का कहना है कि उन्होंने उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत करवाया हुआ है, साथ ही स्थानीय पार्षद से भी इस बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। यहाँ पानी घने दिन से भरा हुआ है और यहाँ पे इतना लोग गांव का पानी यहीं पे छोड़ देते हैं और बदबू बहुत होती है। अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे बहुत पानी में जाना पड़ता है। पानी भरा हुआ है, इससे क्या परेशानी हो रही है आपको? बच्चों को कुछ परेशानी हो रही है? परेशानी तो हो रही है, इसमें बदबू आती है इसमें और कीड़े फीड़े उठते हैं। और तो कितने दिन से निकलने में परेशानी होती है? कितने दिन से भरा हुआ पानी? महीना भर से हो गया। यहाँ कुछ महीने पहले ये नाला बनाया था जी, तो यहाँ अंदर की जगह है वो खाली रहेगी तो वहाँ तो पानी खड़ा हो जाता है बारिश का भी। और कुछ गांव के लोगों ने जी वो नाले की ईंट निकाल दी जी, वो सारा पानी उसमें इकट्ठा हो जाता है और फिर स्कूल के अंदर आ जाता है। तो इस पानी से बच्चों को टीचरों को क्या परेशानी उठानी पड़ती है? बच्चों का जी बाथरूम है जी बच्चों के, और बच्चों को वहाँ जाने में परेशानी है जी, और गंदा पानी है जी यहाँ तक आ गया जी। तो इसकी आपने किसी विभाग में शिकायत करी है? उच्च अधिकारी को जानकारी दी है? एसएससी प्रधान को बुलाया था जी, उनको दिखा दिया उन्होंने जी, पार्षद जी के पास फोन किया, वो बोला कि हम कल पूरा करवा देंगे। कल फिर हमने फिर पार्षद के पास फोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं किसी रिश्तेदारी में गया हूँ, मैं आज करवा दूंगा, कल भी नहीं करवाया।